ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ऑल राइट, हरे कृष्णा, वेलकम एवरीबॉडी। फिफ्थ चैप्टर कर रहे हैं। पहले दो श्लोक हमने करे, फर्स्ट और सेकंड, आज थर्ड श्लोक करेंगे। एम आई राइट? प्लीज रिपीट आफ्टर मी। नेयासाय नित्य संन्यासी, नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। यो न यो द्वेष्टि न कांक्षति कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो। निर्द्वंद्वो हि दुःखं महाबाहो बन्धात् प्रमुच्यते। सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? आई कैन रीड आप पढ़ो। ट्रांसलेशन। वन हू नीदर हेट्स नॉर डिजायर्स द फ्रूट्स of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated. O mighty armed Arjuna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। पर्पट भी पढ़ोगे आप? हाँ जी, ओके। पर्पट भी पढ़ो, फिर उसके बाद थोड़ा डिस्कस करें। पर्पट। One who is fully in Krishna consciousness is always a renouncer because he feels neither hatred nor desire for the results of his action. Such a renouncer dedicated to the transcendental loving service of the Lord is fully qualified in knowledge because he knows his constitutional position in his relationship with Krishna. He knows fully well that Krishna is the whole and that he is part and parcel of Krishna. Such knowledge is perfect because it is qualitatively and quantitatively correct. The concept of oneness with Krishna is incorrect because the part cannot be equal to the whole. Knowledge that one is one in quality yet different in quantity is correct transcendental knowledge, leading one to become full in himself, having nothing to aspire to or lament over. There is no duality in his mind because whatever he does for Krishna. Being thus freed from the platform of dualities, he is liberated, even in this material world. Hare Krishna. All right, Hare Krishna. So, abhi first chapter, sorry, first shloka jo tha, is chapter ka, usme apna Arjun doubt puch raha tha. Wo अभी भी कंफ्यूज्ड है कि उसको युद्ध करना चाहिए कि नहीं। तो वो सोच रहा है कि अगर मुझे रिनाउंस कर दूं मैं हर चीज को और ज्ञान की उसमें जाऊं तो मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कृष्णा ने ज्ञान के बारे में बोला, उससे पहले कर्म के बारे में बोला, और उससे पहले ये भी बोला, अरे तुम ये कैसी उल्टी बातें कर रहे हो जो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने बात की थी। कृष्णा बड़े खुश नहीं हुए सेकंड चैप्टर में अर्जुन को शाबाशी नहीं दी कि हाँ भाई बेटे वेरी गुड, छोड़ दो अब सब। नहीं, ऐसे नहीं बोला। उन्होंने कहा कि ये कैसी इम्प्योरिटीज आ गई आपके अंदर, कैसी बातें कर रहे हो। तो अर्जुन समझने की कोशिश कर रहा है कि कृष्णा का व्यू पॉइंट क्या है। तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि भाई मैं रिनाउंस करके सब कुछ त्याग के रखूं या फिर कार्य करूं कर्मयोगा में, कैसे करूं? कर्म संन्यास और कर्म योगा, ये दो चीजें हैं। कर्म संन्यास मींस कर्म से संन्यास ले लिया भाई, और दूसरा हो गया कर्म योगा। तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? याद आ रहा है सबको? फर्स्ट श्लोक था 5.1, इन्हें कहा फर्स्ट यू आस्क मी टू रिनाउंस वर्क एंड देन अगेन यू रिकमेंड वर्क विद डिवोशन।
काइंडली टेल मी डेफिनेटिवली कि इनमें से बेनिफिशियल कौन सा है। तो कृष्णा यहाँ बता रहे हैं कि एक्चुअली दोनों ही जो है वो अच्छे हैं, लेकिन इसमें डिवोशनल सर्विस में कार्य करना जो है वो बेटर है, रिनंसिएशन ऑफ वर्क्स। तो ये पहले दोनों श्लोक में हुआ। और अब थर्ड श्लोक में कृष्णा और एलेबरेट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति रिनाउंस होता है, जो त्याग करता है, उसके अंदर ये भावना नहीं होती कि वो किसी से घृणा करे और फल की इच्छा के लिए काम करे, क्योंकि वो रिनाउंस्ड है, उसने त्याग दिया है, ठीक है ना। अभी जो त्याग की बात है, ये आप कर्म करके भी कर सकते हो। जब डिवोशन में काम करोगे तो भी आप रिनंसिएशन की भावना में कर सकते हो। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे ना कि कैसे कई लोग सोचते हैं कि अरे हमने इतना डोनेशन दिया, इतना ये किया, इतना सेवा किया, इतना काम किया, तो ये जो भावना कि हमने डोनेशन दिया, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये भावना जो है इसको रिनाउंस करना ये ज्यादा जरूरी है। सिर्फ चीज को रिनाउंस नहीं करना, ये चीज मेरी प्रॉपर्टी है, ये भावना को भी रिनाउंस करना जो है ये जरूरी है। और ये भावना को रिनाउंस करके अगर आप उस चीज को भगवान की सेवा में लगाते हो तो वो होती है कर्म इन डिवोशनल सर्विस, वर्क इन डिवोशनल सर्विस। समझ में आ रहा है आपको? यस नो मे बी यस। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसको अंदर ये त्याग की भावना होगी, वो डुअलिटीज मींस दुख सुख, लाभ हानि, ठंडा गर्म, ये सब डुअलिटीज, इन सबसे अफेक्ट नहीं होता, इन सबसे बंधता नहीं है, वो इन सबसे लिबरेटेड रहता। और ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों का रिलेशन भी कृष्णा भी बताएंगे। जो पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा ना, कृष्णा बताएंगे कि कैसे ये दोनों जो है अल्टीमेटली ये एक ही गोल को लेके जाएंगे, लेकिन हमारे लिए क्या रिकमेंड कर रहे हैं कृष्णा, वर्क इन डिवोशन। तो प्रभुपाद ने प्रॉपर में यहाँ एक्सप्लेन किया कि जो पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस में आ जाते हैं वो लोग इजीली त्याग की भावना डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी है उनके पास वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और उनको धीरे 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 इस प्रोसेस में जैसे एडवांस होते आते हैं, वो उनके क्या लेवल आ जाता है, ही फील्स नाइदर हेट्रेड नॉर डिजायर फॉर द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्शंस। तो वो किसे घृणा नहीं करते और फ्रूटिव रिजल्ट्स के लिए कार्य नहीं करते। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस में वो फोकस होते हैं, भगवान की सेवा करने में, भगवान की लविंग प्रेममय सेवा, भक्तिमय सेवा। और यहाँ पे रिलेशनशिप बता रहे हैं कि कैसे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, भगवान और जीव ये क्वालिटेटिवली दोनों सेम है, कि दोनों कॉन्शियस हैं, दोनों डेड मैटर से अलग हैं, दोनों सच्चिदानंद हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली हम ये नहीं कह सकते कि हर तरीके से जीव जो है वो भगवान है, नहीं वैसे नहीं हो सकता। हाँ जैसे होता है ना कि कई बार बच्चों को देखते हैं तो कोई बड़े दिन के बाद देखे या पहली बार ही देखे, वो कहेगा अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, ये बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है, कोई इस तरीके से। तो उसी तरह से कई सिमिलैरिटीज होती हैं बच्चे और माँ बाप में, मगर दोनों सेम नहीं होते। उसी तरह से लिविंग एंटिटी जो है जीवा, उसमें और भगवान में काफी सिमिलैरिटी है, क्योंकि कृष्णा कहते हैं भगवद गीता में, अहम बीजा प्रदा पिता, I am the seed giving father of every living entity. मैं सबका माता पिता तो मैं ही हूँ, actually. कहते भी ना, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम। तो हर कुछ भगवान को मानने वाले ऐसे कॉन्शियसनेस जो है वो बड़ी
इम्पोर्टेंट है ऐसी कॉन्शियसनेस में होना और ऐसे कार्य करना। तो जो कॉन्शियसनेस डिवोटी की होती है वो ये होती है कि हाँ जीव और भगवान वो क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटेटिवली नहीं है, और यही प्रभुपाद ने यहाँ एक्सप्लेन किया। लेकिन कई लोग मिसकंसेप्शन डाउट में पड़ते हैं, उनको कहते हैं मायावादी। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भगवान और जीव एक ही है, अगर जीव भी है चाहे तो वो भगवान बन सकता है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट श्लोक एक और पढ़ेंगे फिर और डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट कोई पॉइंट है अगले श्लोक में जाने से पहले? ओके ऑल राइट, कौन पढ़ेगा ये? मैं पढ़ता हूँ संस्कृत, आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ें। सांख्य योगौ पृथक बाला, सांख्य योगौ पृथक बाला, प्रवदन्ति न पण्डिता, प्रवदन्ति न पण्डिता, एकम् अपि आस्थिता सम्यग्, एकम् अपि आस्थिता सम्यग्, उभयोर्विन्दते फलम्, ओके। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और प्रॉपर वॉलंटियर करेगा? हरे कृष्णा। हाँ हरे जी, आप पढ़ो। ट्रांसलेशन, ओनली द इग्नोरेंट स्पीक ऑफ डिवोशनल सर्विस कर्म योगा हैज बीन डिफरेंट फ्रॉम द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड संख्या। दोज हु आर एक्चुअली लर्न टू से that he who applies himself well to one of these parts achieves the results of both. Perfect. The aim of analytical study of the material world is to find the soul of existence. The soul of the material world is Vishnu or the super soul. Devotional service to the Lord entails service to the super soul. One process is to find the root of the tree and the other is to water the root. The real student of Sankhya philosophy finds the root of the material world, Vishnu, and then in perfect knowledge engages himself in the service of the Lord. Therefore, in essence, there is no difference between the two because the aim of both is Vishnu. Those who don't know the ultimate end to say the purposes of Sankhya and Karma Yoga are not the same, but one who is learned knows the unifying aim in these different processes. Hare Krishna. Hare Krishna, okay. So, what is Krishna telling us? He is saying that those who are in ignorance, those who talk like children, bala, less intelligent, prathak bala. तो ऐसे लोग जो होते हैं जो एक्चुअली पंडित नहीं होते, लर्नेड नहीं होते, वो लोग क्या कहते हैं, वो सोचते हैं कि ये अलग अलग चीजें हैं, कर्म योगा सांख्या, ये दोनों प्रोसेसेस जो अर्जुन ने ही बताया कि रिनाउंस करना और साथ में वर्क इन डिवोशन करना। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि जो विद्वान होता है, जो लर्नेड, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसको पता होता है कि कैसे इनका गोल एक्चुअली सेम ही है। इसके बाद कॉमन गोल आ जाता है क्या, और वो है भगवान की सेवा करना, विष्णु की सेवा। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि एम ऑफ एनालिटिकल स्टडी ऑफ द वर्ल्ड इज टू फाइंड द सोल एग्जिस्टेंस एनालिटिकली। जो सांख्या है, सांख्या में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं वो, और देखते हैं कि कॉन्शियसनेस का सोर्स क्या है, और वो इस कंक्लूजन में आते हैं कि हाँ कॉन्शियसनेस जो है वो अलग है इन सब एलिमेंट्स से, और वो कॉन्शियसनेस की सीट जो है वो सोल है। तो वो ऐसे सांख्या में एनालाइज करते हैं। तो द सोल ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज विष्णु और द सुपर सोल। डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड एंटेल सर्विस टू द सुपर सोल। One process is to find the root of the tree and the other is to water the root.
तो एक प्रोसेस में वो एनालाइज करते हैं कि कहाँ से सोल क्या है कॉन्शियसनेस, वो स्टडी करते हैं एलिमेंट्स को, वो सांख्या हो गई। और दूसरी हो गई जिसमें आप एक्चुअली सेवा में लग रहे हो भगवान की डायरेक्टली, और वो है कर्मयोग यहाँ पे के भगवान की सेवा। और कर्मयोग और ये सांख्या एक्चुअली अल्टीमेटली ये सब आपको भक्ति योग की तरफ लेके जाएंगे, अगर आप इसको समझ के ये सोचोगे कि ये जो कार्य कर रहा हूं मैं तो भगवान की खुशी के लिए, उनकी सेवा के लिए कर रहा हूं। तो ये सारे उसके ये इसको कहते हैं योगा लैडर, जैसे एक लैडर में चलते हैं। तो उस हिसाब से जो कृष्ण रेकमेंड कर रहे हैं वो कर्म करना रेकमेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कर्म योगा अल्टीमेटली वो भक्ति योगा में कल वो कहते हैं कल्मिनेट होगी, और प्लस हमारे लिए इजी है काम करना, कर्म करना ये इजी है हमारे लिए। एक्सटर्नली हम अगर कर्म नहीं करेंगे, किसी चीज में एंगेज नहीं रहेंगे और सोचेंगे कि नहीं हम बैठ के बैठे ही रहते हैं एक जगह, तो उसमें भी कोई ना कोई एक्टिविटी तो हम करते ही रहेंगे। और वो जो कोई एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, अगर वो हमारी ट्रेनिंग नहीं है संन्यास के लिए, रिनाउंस करके रहने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंगेज करेंगे अपने आप को। तभी आप देखोगे अंदर से हमेशा एक्टिविटीज चलती रहती है माइंड में, कभी कोई बात कभी कुछ, तो ये इसका मतलब माइंड बड़ा एक्टिव है। बाहर सुपरफिशियली अगर आप देखो बाहरी तरीके से अगर कोई एक्टिव ना हो तो लगता है बड़ा अच्छा है, उसके लिए आराम है, ईजी है, मगर अंदर से एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करेंगे वो इजी नहीं होता। अंदर से जो एक्टिविटीज चल रही हैं उथल पुथल इतनी सारी चीजें, वो हमको रेस्टलेस कर देती है। तो इसलिए अगर हम एक्चुअली भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो अंदर से और बाहर से दोनों चीजें जो है वो प्यूरिफाई हो जाएंगी। तो जब वो कर्मों के साथ हम अटैच होके करते हैं तो वो कर्म योगा हो गया, जब हम उसको फुल्ली कृष्णा के प्रेम में करते हैं तो वो भक्ति योगा होगा। Yes, no, maybe. अगर किसी का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। राशिका क्लियर हो रहा है? हाँ जी। Okay, ये यहाँ क्यों बोला हुआ है, तो only the ignorant speak of devotional service, मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ो ना, पूरा सेंटेंस पढ़ो। Only the ignorant speak of devotional service, karma yoga as being different from the analytical study of the material world, sankhya, ये वाला मेरे को थोड़ा सा अभी भी समझ नहीं आया। तो ये दो processes हैं, एक हो गया कर्म योगा जो के अल्टीमेटली भक्ति योगा से के साथ लिंक्ड है, और दूसरा हो गया सांख्या जिसके अंदर एनालिटिकली स्टडी करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं कि दोनों का एक्चुअली गोल सीक्वेंस यही है कि अल्टीमेटली वो भगवान की नॉलेज गेन कर पाए। जो सांख्या है उसकी स्टडी का भी यही है, तो उससे पता लगता है सांख्या से थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि जो कि भगवान के अवतार हैं, उन्होंने ये सांख्य फिलॉसफी अच्छे से एक्सप्लेन की। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अर्जुन जो है वो सोच रहा है दोनों अलग अलग चीजें हैं, जो उसने क्वेश्चन पूछा है ना, उसको उसका क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि वो समझना चाह रहा है उसको क्या करना है अभी फोकस, उसको युद्ध करना है कि नहीं करना है। और कृष्णा उसको आंसर दे रहे हैं प्रिंसिपल्स के रूप में जो सबके लिए एप्लीकेबल होंगे हमारे लिए। और कृष्णा उसको क्या बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं एक्चुअली दो जो चीजें आप बता रहे हो, वो सोच रहा है कि जो जब मैं सब कुछ रिनाउंस करूंगा त्याग कर दूंगा तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा, तो फिर मैं ज्ञान की तरफ बढ़ सकता हूं। कृष्णा बता रहे हैं उसको ज्ञान और कर्म इनका जो मकसद है असली में वो सेम ही है, भगवान की प्राप्ति, और आपके लिए ये ज्यादा रेलेवेंट है और ये ज्यादा रिकमेंडेड है। क्या कि आप वर्क इन डिवोशनल सर्विस, कर्म में लग के करो, तो ये पॉइंट वो बोल रहे हैं। और हमने जैसे कल डिस्कस किया था अर्जुन का डाउट क्यों आया था, क्योंकि पीछे कृष्णा ने दिव्य ज्ञान के बारे में उसको ग्लोरीफाई किया था ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को फोर्थ चैप्टर में, तो वो उससे जो कल हमने श्लोक पढ़े थे 4.39, 4.41,
उसमें कई कई पॉइंट्स ऐसे थे जिसकी वजह से अर्जुन को लग रहा था कि शायद मुझे इस तरफ बढ़ना चाहिए कि रिनाउंस करने देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति लेनी चाहिए। कृष्ण ने बोला नहीं नहीं नहीं, आपको ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ इसके बेसिस पे समझना चाहिए कि कैसे ये युद्ध करना आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एक्चुअली इन लाइन है जो शास्त्रों के रिकमेंडेशन है उसमें। तो वो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं एक्चुअली जो ये प्रोसेसेस हैं अलग अलग, इनका एक्चुअली क्या है, इनका गोल एक ही है। तो ये नेक्स्ट श्लोक एक और करते हैं हम, फिर उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? इज दैट ओके? ओके, यस। ऑल राइट, 5.5। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम्। तद्योगेरपि गम्यते। तद्योगेरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च। एकं सांख्यं च योगं च। या पश्यति स पश्यति। आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ोगे? One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level sees things as they are. अब क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, थोड़ा सा समझ आ रहा है कि जो अलग अलग चीजें वो देख रहा है अर्जुन, एक्चुअली दे आर ऑल कनेक्टेड। ये सारे इसको कहते हैं योगा लैडर, ये लैडर में होती है सारी चीजों का एक रोल है, और देयर इज अ फाइनल कॉमन पाथवे जो है अल्टीमेटली भगवान के साथ कनेक्ट होना। तो वो यहाँ पे कृष्णा उसको समझा रहे हैं। तो पर्पट पढ़ते हैं और क्लियर होगा। कौन पढ़ेगा पर्पट? आप कंटिन्यू करो। हाँ, सैलरी। हाँ, आप कंटिन्यू करो। ओके, परफेक्ट। द रियल पर्पस ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च इज टू फाइंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। सिंस द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कंक्लूजंस रीच्ड बाय द टू प्रोसेसेस। बाय सांख्या फिलोसफिकल research, one comes to the conclusion that a living entity is not a part and parcel of the material world, but of the supreme spirit soul. Consequently, the spirit soul has nothing to do with the material world. His actions must be in some relation with the supreme. When he acts in Krishna consciousness, he is actually in his constitutional position. In the first process, Sankhya, one has to become detached from matter, and in the devotional yoga process, one has to attach himself to the work of Krishna consciousness. Factually, both processes are the same. Although superficially, one process appears to involve detachment and the other process appears to involve attachment. Detachment from matter and attachment to Krishna are one and the same. One who can see this sees things as they are. Hare Krishna. Hare Krishna. तो सांख्या में, त्याग में, रेनन्सिएशन में, कई कई सन्यासी ऐसे होते हैं ना, उनको क्या है कि हर चीज को वो त्याग देते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता, कोई बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, और वो बड़ा ऑस्टियर तपस्या वाली लाइफ जीते हैं जिसमें वो कई लोग खाते पीते भी नहीं है, एक जगह मेडिटेट करते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से उठते हैं, चलते हैं, वो नॉर्मल शहरों में रहते भी नहीं है, वो दूर कहीं रहते हैं, और उनका काम क्या होता है, उनका होता है डिटैच होना हर चीज से, हर चीज माया है, वो ऐसे सोचते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे डिवोशनल सर्विस या कर्म योगा या भक्ति योगा, इसका क्या फोकस है? इसका फोकस है अटैचमेंट टू कृष्णा। तो इसमें क्या डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली आएगी, जब आप कृष्णा से अटैच हो गए तो डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली आएगी, लेकिन अगर आप बाकी मटेरियल चीजों से डिटैच हो तो उससे जरूरी नहीं है कि कृष्णा की अटैचमेंट आ जाए। जैसे एक फेमस स्टोरी आप लोगों को पता है कि धुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज,
दुर्वासा मुनि वो एक बड़े योगी तपस्वी मिस्टिक थे और उनका उनके पास इतनी शक्तियां थी क्योंकि योगा जो करते हैं जो तपस्या करते हैं उससे उनको काफी शक्तियां भी मिलती हैं। तो तपस्या करी उन्होंने और ऐसी शक्ति आई। अब वो कहीं भी जाते थे तो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते थे, खुश भी हो जाते थे कई बार भी जल्दी। तो दुर्वासा मुनि जब गुस्सा होते थे तो श्राप दे देते थे। तो आप लोगों को पता है स्टोरी कईयों को कि मैं उन लोगों के लिए सुना रहा हूँ जिनको नहीं आइडिया। एक बार वो अम्बरीश महाराज, जो अम्बरीश महाराज के राजा थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, तो साथ में एक राजा थे। तो राजा में तो सब वहां पे उनके किंगडम में इतने सारे अलग अलग तरीके के सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं, कंफर्ट्स होते हैं। और दुर्वासा मुनि ये अपना जंगल में तपस्या करते। तो दुर्वासा मुनि आए। अब दुर्वासा मुनि ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय है अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज ने उनको बड़ा अच्छे से वेलकम किया, उनके लिए खाना वाना का अरेंजमेंट किया। लेकिन दुर्वासा मुनि ने कहा मैं थोड़ा स्नान करके आऊंगा फिर लूंगा प्रसाद। ठीक है आप स्नान करके आओ फिर आपके लिए आप रेडी कर रहे हैं। अब एटिकेट ये होता है कि जब आपके घर कोई आए तो पहले आप उसको खिलाओ फिर खुद खाओ। तो अम्बरीश महाराज जो थे वो वेट कर रहे थे दुर्वासा मुनि की, वो आएंगे साथ में लेंगे यू नो अपना ब्रेकफास्ट। तो वो आ नहीं रहे थे, काफी देर हो रही थी। अब अम्बरीश महाराज ने पिछले दिन उपवास रखा था, फास्टिंग रखी थी। आप लोगों को पता है नवरात्रे आ रहे हैं तो कई लोग फास्ट भी कर रहे होंगे। तो फास्टिंग मीन्स ऑस्टेरिटी, तपस्या। फास्टिंग मतलब ये नहीं कि पहले से ज्यादा खा रहे हैं और कई सारी चीजें खा रहे हैं अलग अलग तरीके की, वो फिर फास्ट कोई फास्ट नहीं होता। फास्टिंग मीन्स बेयर मिनिमम। अगर आपने सही मायने में फास्टिंग करनी है तो या तो आप कहो कि सिर्फ हम एक तरह की फास्टिंग होती है जिसमें आप कुछ खाते भी नहीं है कुछ पीते भी नहीं। जैसे अम्बरीश महाराज इस दौरान पे एकादशी का व्रत कर रहे थे। एकादशी का व्रत जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल लाइफ में जो एकादशी का पालन करते हैं रेगुलरली उनको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होती है बहुत अच्छी। और मटेरियल लेवल पे भी एकादशी का फास्ट जो है वो बहुत पावरफुल है। उसकी कई सारी कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, इंसिडेंसेस हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि एकादशी का व्रत अम्बरीश महाराज भगवान की खुशी के लिए कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट डे एक सर्टेन टाइम पे फास्ट ब्रेक करना होता है। तो अम्बरीश महाराज वो फास्ट ब्रेक करने के लिए रेडी थे, लेकिन अब दुर्वासा मुनि आ गए और दुर्वासा मुनि का स्वागत किए बगैर, उनको खिलाए बगैर अम्बरीश महाराज खुद कैसे खा लेते, उनको ये उचित नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं मैं वेट करूंगा। लेकिन फिर वो फास्ट ब्रेकिंग टाइम आ गया था। अब फास्ट ब्रेकिंग टाइम उस सर्टेन टाइम में अगर आप ब्रेक ना करो तो एकादशी आपकी पूरी सफल नहीं होती। वो तो वो सोच रहे थे अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया, मंत्रीगणों को बुलाया, उनसे चर्चा की, डिस्कशन की कि भाई क्या करना चाहिए। और उनको खुद भी शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। तो डिस्कस करने के बाद फाइनली उन्होंने कहा कि चलो फिर अब मैं कुछ ड्रॉप्स पानी के ले लेता हूँ, क्योंकि पानी ऐसा है कि उससे मेरा पूरा भी हो जाएगा फास्ट की, चलो अब फास्टिंग कंप्लीट हो गई। क्योंकि बिना फूड बिना वाटर वो पूरे पिछले दिन और काफी टाइम से थे। तो कहा मैं ये ले लेता हूँ। लेकिन एक एटिकेट होता है कि आप कुछ लोगे नहीं आपके गेस्ट से पहले, और खासकर कोई ब्राह्मण आया तो वो एटिकेट भी एक तरह से ब्रेक नहीं होगा क्योंकि मैंने पानी ही लिया है, ज्यादा कुछ खाया तो नहीं है। तो ये सोच के अप्रूव किया मंत्रियों ने भी कि हाँ ये बिल्कुल उचित रहेगा, आप कर सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज ने कुछ ड्रॉप्स ले लिए पानी। अब दुर्वासा मुनि वो बहुत मिस्टिक पावरफुल योगी हैं, उनको पता लग जाता है। तो उनको अपने शक्ति से पता लग गया कि अरे इन्होंने तो कुछ लिया है, मुंह से पानी लिया, अच्छा। तो बड़े क्रोधित हुए, आके उन्होंने बोला कि तुम बड़ा अपने आप को समझते हो कि तुम बहुत भगवान के डिवोटी हो, तुम्हें तो एटिकेट्स ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि घर में तुम्हारे को आए हैं संत महात्मा तो पहले उनकी सेवा की जाए, तुम खुद ले रहे हो। बड़ा क्रोधित हुए
और अपने बाल, एक बाल निकाला उन्होंने और उसमें मंत्र पढ़े, और उससे क्या हुआ, वहां पे एक बहुत बड़ा फायरी डीमन दैत्य राक्षस पैदा हो गया। वो राक्षस का मकसद ये था कि वो अम्बरीश महाराज को बस ठिकाने लगा दे, इधर उधर कर दे। तो जब वो बढ़ रहा था अम्बरीश महाराज की तरफ, तो अम्बरीश महाराज जो है वो इतने बड़े पावरफुल शक्तिशाली राजा, वो चाहते तो अच्छा सबक सिखा सकते थे, लेकिन वो इतने नम्र थे, उन्हें कहा इतने बड़े संत महात्मा हैं, वो अपने उन्होंने हाथ जोड़ दिए और सर झुका के उन्होंने कहा बहुत गलती हो गई मुझसे। तो ये एक सच्चे भक्त के लक्षण है कि देखो कैसे वो चाहे कितने भी शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, लेकिन जब कोई आता है संत महात्मा तो उसका कितना रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि जो है वो एक सन्यासी, उनको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए था, उनको इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं शोभा देता, लेकिन उन्होंने किया ऐसा बिहेवियर, तो क्या हुआ, जो भगवान है उनके शुद्ध भक्त है अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि अभी शुद्ध भक्त नहीं है। तो दुर्वासा मुनि नहीं है शुद्ध भक्त, और ऊपर से एक भक्त को वो ऐसे परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर अपराध कर रहे हैं, तो भगवान ने बहुत सीरियसली लिया इसको। भगवान अपने भक्तों की तौहीन या बदतमीजी या इंसल्ट या उनका ऑफेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, भक्त चाहे बर्दाश्त कर लें लेकिन भगवान नहीं बर्दाश्त कर। तो भगवान ने इमीडिएटली सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र जो था वो उस राक्षस का तो मृत्यु हो ही गई, और वो दुर्वासा मुनि की तरफ भागा सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा मुनि जब देखा वो वहां से भागे, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मैं हेल्प नहीं कर सकता, शिव जी के पास गए, उन्होंने मैं भी नहीं कर सकता, फाइनली विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी कहते मैं भी नहीं कर सकता, उन्होंने कहा अरे आपका तो चक्र है आप क्यों नहीं कर सकते, कहते मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ, आई एम सबॉर्डिनेट टू माई डिवोटी, मेरे से ऊंचा तो मेरा भक्त है, और अम्बरीश महाराज मेरे इतने बड़े भक्त, और उनको आपने ऐसे तौहीन की ऑफेंस किया, आपको बच पाना बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर आप अम्बरीश महाराज के पास जाओ और उनसे माफी मांगो, फिर दुर्वासा मुनि गए अम्बरीश महाराज के पास, उनसे माफी मांगी, अम्बरीश महाराज ने नहीं 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 आपकी तो कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ। तो ये होती है एक डिवोटी की पोजीशन। तो इसलिए हम देखते हैं कि कई लोग त्याग और संन्यास और ये सब करते हैं, लेकिन अगर भगवान के ऊपर अटैचमेंट नहीं हुई, भगवान के तरफ उनकी अट्रैक्शन नहीं हुई, भगवान की सेवा में वो नहीं लगे और भगवान को खुश नहीं किया, तो फिर फायदा क्या, फिर आपकी इतने सब ये सब तो श्रम में वही केवलम, मतलब कि ये तो यूजलेस लेबर है, यूजलेस लेबर। जैसे एक बारी तीन लोग थे, तीन लड़कों को एक काम दिया गया, क्या काम था कि जगह जगह में ना जो रोड के साइड में पोल्स लगाने थे उनको, ठीक है। अब वहां पे इंस्पेक्शन आई, उन्होंने देखा कि दो लोग ही काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो है वो गड्ढा खोदता जा रहा है और दूसरा गड्ढे में डालता जा रहा है मिट्टी वापस। तो जाके पूछा अरे क्या हो गया भाई, गड्ढा एक खोद रहा है डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, कहते हैं हमारे को बहुत काम है, हम डिलीजेंटली कर रहे हैं, आप प्लीज डिस्टर्ब मत करो। मगर ठीक है आपको बहुत काम तो है, लेकिन मतलब आप थोड़ा हमें बताओ तो कर क्या रहे हो, कहते देख ले देखो ये सारे पोल्स लगाने। अच्छा तो आप दोनों तो गड्ढा खोद रहे हो डाल रहे हो, कह रहे हैं हाँ हम अपना काम कर रहे हैं। देखो हम तीन लोग थे, इसका काम था गड्ढा खोदना, सेकेंड वाले का काम था पोल को वहां पे फिट करना, और तीसरे का काम था डालना मिट्टी। तो वो बीच वाला जो था उसका तबीयत खराब हो गई, वो बीमार है, वो आया नहीं आज, तो उसका काम बचा है, लेकिन हम अपना करते जा रहे हैं, एक व्यक्ति गड्ढा खोदता जा रहा है और दूसरा डालता जा रहा है उसमें मिट्टी वापस। तो बेसिकली क्या है ये, दिस इज यूजलेस लेबर, क्योंकि उनको पर्पस को ध्यान में रख के अगर वो काम नहीं कर रहे, यहाँ भी पर्पस तो पोल लगाना है ना, तो जब तक पोल नहीं लगाता तो फायदा क्या है, वो अपने काम में ही फोकस कर रहे हैं कि बस मेरा काम है गड्ढा खोदना, और दूसरा सोच रहे हैं मेरा काम है गड्ढे में डाना मन। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है, कई बार हम इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हाँ मेरा ये नौकरी करना है काम, मेरा ये स्टडी करना है काम, अल्टीमेट गोल से हम बिल्कुल फोकस नहीं रखते कि अल्टीमेट गोल क्या है। अल्टीमेट गोल है भगवान से अटैचमेंट होना,
भगवान से प्यार करना, भगवान के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो के परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है, सर्व कारण, सारे कारणों का कारण है वो, सच्चिदानंद विग्रह है वो, उनकी फॉर्म जो है वो सच्चिदानंद है। तो ये अल्टीमेट गोल जो है भगवान से अट्रैक्शन होना और उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना, इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो फिर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट है आज के डिस्कशन का। ऑलराइट, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? ऑलराइट, तो इसलिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमें कोशिश करना है कि वो भगवान की सेवा में लगाएं। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ये सब उसके लिए होनी चाहिए। कोई भी ऑस्टेरिटी, तपस्या कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो वो भगवान के उसमें होनी चाहिए कि मैं और ज्यादा भगवान की सेवा में लगे। खाने पीने इन सब चीजों में हमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? फास्टिंग है तो हम नेचुरली टॉप क्लास फास्टिंग मींस कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं। सेकंड कैटेगरी के आगे चलो आप पी सकते हो, थर्ड कैटेगरी आगे चलो आप फ्रूट्स पे गुजारा करो, फोर्थ कैटेगरी अगर उससे भी नहीं बनता तो आप कोई आलू बॉयल वगैरह करके ले, तो ये होती है फास्टिंग। लेकिन अगर हम मिनिमाइज करेंगे बॉडीली नीड्स को और मैक्सिमाइज करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ के एक्टिविटीज को, तो वो सही मायने में आपको बेनिफिट देगी। अभी जो जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं वो और टाइम लगा सकते हैं, भगवत गीता पढ़ें, अच्छे से स्टडी करें। मैंने लिंक भेजी थी, उसमें दूसरी बुक है, उसको एनालाइज करें। कई लोगों ने, आप लोगों ने भगवत गीता के श्लोक भी याद करें, तो ऐसे श्लोक याद करने में अपने आप को एनर्जी लगाएं। तो देखते हैं किस किस की टर्न है आज श्लोक सुनाने की, इंस्पिरेशन लेंगे सबसे। अच्छा ओके, भव्या आप स्टार्ट करोगे श्लोक जो हमने सब। हरे कृष्णा, आज भव्या का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे भव्या। भव्या का बर्थडे आज, तो बड़ा स्पेशल डे है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज तो हमारे को सिंग करना चाहिए फिर भव्या के लिए। ऑलराइट, तो आप लोग सब मेरे पीछे बोलो, हम लोग सिंग करेंगे भव्या के लिए। ओके भव्या, अपना वीडियो ऑन करो। भव्या आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हो। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू डियर भव्या, हरे कृष्णा टू यू डियर भव्या, May Krishna bless you, dear Bhavya. May Radha Rani bless you. Hare Krishna,
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Happy birthday. Very, very happy birthday, dear Bhavya. Stay blessed always. Happy birthday, Bhavya. Thank you. Thank you, Kiran Aunty. Thank you, Divya. Okay, so let's chant once Hare Krishna Maha Mantra, all of us together, wishing Bhavya very, very happy birthday. We'll chant loudly. Hare Krishna, 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 Hare Krishna. Okay, now Bhavya is going to tell the shloka. Am I right?